झारखंड के साहिबगंज जिले में बीते सप्ताह मां दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पथराव मामले में नगर थाना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों समुदाय से करीब 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं शनिवार को राजमहल सांसद विजय हंसदा हुए पथराव मामले को लेकर दोनों समुदाय के लोगों से उनकी समस्या जानने साहिबगंज पहुंचे। बता दें कि सांसद विजय हंसदा साहिबगंज पहुंचते ही पहले दहला मोहल्ले के पटनिया टोला पहुंचकर वहां के लोगों से पथराव मामले की जानकारी हासिल की, साथ ही मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों के परिजनों से मिलकर वास्तु स्थिति जानते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। फिर बाद में सांसद विजय हंसदा कुलीपारा मोहल्ले में स्थित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जाना और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन क्षेत्रवासियों को दिया। बाद में सांसद विजय हंसदा ने नगर थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार SP अनुरंजन किस्पोट्टा से मामले की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद विजय हंसदा ने कहा कि इस तरह का हिंसा समाज के लिए काफी निंदनीय है। कहा कि इस तरह के घटना में शामिल लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में दोनों समुदाय के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सांसद ने कहा कि दोनों समुदाय में कुछ लोगों का कहना है कि निर्दोष लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन से कहा गया है कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न हो, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए झड़प में शामिल दोषियों को सामने लाने का कार्य करें ताकि निर्दोष पर कार्रवाई न हो। साथ ही कहा कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए हम सबों को आगे आने की जरूरत है। जो घटना घटी वो बिल्कुल निंदनीय है और इस तरह के घटनाओं के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनका समाज में कहीं कोई स्थान नहीं। आज जो प्रशासन द्वारा एक्शन किया गया, दोनों समाज के लोगों ने शांति व्यवस्था की और जो एक्शन हुआ उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि कुछ गलत लोगों को भी उस पर एक्शन हो गया है, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि जो निर्दोष है उन पर किसी तरह का जो है कष्ट नहीं किया जाए। लेकिन दोनों समाज के लोगों को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी समाज की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए। ऐसे गलत लोगों को वही चिन्हित करके आगे ला करके प्रशासन का मदद करें कि आगे जो है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिले। चूक कहाँ पे हुई? देखिए, ये अचानक जैसी घटनाएं होती हैं उसके बाद कोई पहले से नहीं कह सकता है कि कोई इस तरह का घटना घटेगा, लेकिन जब भी कहीं घटना घटती है, जिस तरह से प्रशासन ने अपना कार्रवाई की, दोनों तरफ के समाज के लोगों ने जिस तरह से काम अपना मदद किया, उसके लिए मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आगे भी व्यवस्था बनी रहे उसके लिए समाज सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वहीं बता दें कि बीते एक सप्ताह से लगातार पुलिस प्रशासन के जवान शहर के सभी चौक चौराहों पर तैनात हैं ताकि कोई भी विवाद उत्पन्न न हो और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे।